दुनिया के महानतम देशों में से एक भारत, जहां हर कुछ दूरी पर भाषाएं और वेशभूषाएं बदल जाती है। समुद्री तटों, समृद्ध संस्कृति, प्राचीन विरासत और अनगिनत मंदिरों के साथ भारत हमेशा दुनिया के लिए सबसे आकर्षक स्थलों में से एक रहा है। तो आज एक ऐसे ही सफर पर चलते हैं जहां दोस्तों और परिवार के साथ दिसंबर में छुट्टियां बिताना एक यादगार पल बन सकता है। सफर की शुरुआत करते हैं उत्तर भारत के जम्मू कश्मीर के लेह लद्दाख से। लद्दाख को लिटिल तिब्बत कहा जाता है क्योंकि ये तिब्बत के साथ सीमा साझा करता है। लद्दाख में वैसे तो घूमने के लिए काफी जगहें हैं, लेकिन लद्दाख की पहचान प्राचीन बौद्ध मठों की वजह से भी है। यहाँ जाने से पहले पर्यटकों को कुछ सावधानी बरतनी पड़ती है क्योंकि यहाँ ज्यादातर बंजर भूमि है और ऊंचाई वाली जगहों पर ऑक्सीजन का स्तर काफी कम है। लद्दाख हाल ही में भारत के सबसे लोकप्रिय हॉलीडे डेस्टिनेशन में से एक बन गया है। ये डेस्टिनेशन बाइकर्स की पहली पसंद है। लद्दाख तक का सफर ट्रेन, कार या फिर बस से किया जा सकता है, लेकिन युवाओं को ये एडवेंचर ट्रिप अपनी मोटर बाइक से पूरा करना ज्यादा पसंद है। यहाँ बुलेट से ड्राइव करना तो आपके रोमांच को ज्यादा ही बढ़ा देता है। यहाँ जाने के लिए सबसे बेहतरीन महीना दिसंबर से फरवरी के बीच का होता है और बजट तकरीबन 20,000 रुपए का होता है। उत्तर पूर्वी भारत का शिलोंग अपनी प्राकृतिक खूबसूरती के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ की पहाड़ियाँ और खूबसूरत घाटियाँ शिलोंग को हमेशा से ही आकर्षक केंद्र बनाती हैं। दिसंबर में यहाँ का तापमान 12 से 20 डिग्री तक हो जाता है। शिलोंग देश का अकेला पहाड़ी स्टेशन है जहाँ पहुँचने के लिए हवाई, रेल और सड़क यातायात की अच्छी कनेक्टिविटी है। शिलोंग की अनमगून भारत की सबसे साफ नदी है। भारत बांग्लादेश सीमा के पास के एक छोटे लेकिन व्यस्त कस्बे दावकी के बीच से ये बहती है। ये कस्बा राजधानी शिलोंग से महज 95 किलोमीटर दूर है। अनमगो नदी का पानी इतना साफ है कि उस पर तैरने वाली नाव ऐसे लगती हैं मानो हवा में उड़ रही हो। नदी यहाँ अकेली आकर्षक जगह नहीं है। दिसंबर में टेसिम फेस्टिवल, बागमारा, विलियम नगर और तुरा शीतकालीन महोत्सव पर्यटकों का खूब मनोरंजन करते हैं। यहाँ परिवार के साथ छुट्टियां बिताने का मजा दोगुना हो जाता है। यहाँ जाने के लिए सबसे बेस्ट महीना दिसंबर है और क्रिसमस के वक्त यहाँ बजट आपका 30,000 रुपए तक पहुंच सकता है। अगला पड़ाव राजस्थान का उदयपुर है। झीलों के शहर उदयपुर में झील पैलेस, फतेह सागर झील, मॉनसून पैलेस और जग मंदिर के साथ दिसंबर की छुट्टी के लिए बेहतरीन विकल्पों में से एक है। उदयपुर का सबसे अच्छा हिस्सा ये है कि ये अरावली पहाड़ियों की बुनियाद पर स्थित है। यहाँ कई महल और किले हैं जो राजपूताना के महान दौर को याद दिलाते हैं। सिटी पैलेस एक शानदार स्मारक है जिसे महाराजा उदय सिंह द्वारा साल 1959 में बनवाया गया था। मुख्य महल के परिसर में कुल 11 महल हैं। इसके अलावा लेक पैलेस एक और लोकप्रिय स्थान है जो अपनी कलात्मक कारीगरी के लिए सराहा जाता है। ये महल अब एक 5 सितारा होटल में तब्दील हो चुका है। समुद्र स्तर से 944 मीटर की ऊंचाई पर स्थित सज्जनगढ़ पैलेस एक और भव्य महल है जिसे मानसून पैलेस के नाम से भी जाना जाता है। इस महल का निर्माण ऊपर से मानसून के बादलों को देखने के लिए कराया गया था। इसके अलावा बगोर की हवेली और फतेह प्रकाश पैलेस इस जगह की कुछ और खास इमारतें हैं। दिसंबर में उदयपुर के पूर्वी हिस्से का तापमान आसपास की पहाड़ियों की वजह से ठंडा होता है और झील का पानी एकदम बर्फीला हो जाता है। उदयपुर जाने के लिए बस, ट्रेन और कार किसी भी विकल्प को आप चुन सकते हैं। परिवार के साथ छुट्टियां बिताने के लिए एक अच्छा विकल्प है। नवंबर से दिसंबर का महीना यहां जाने के लिए बेस्ट है और क्रिसमस के वक्त यहां पर प्रति रात आपका बजट 5,000 रुपए पहुंच सकता है। गुजरात के दीव का समुद्र तट दिसंबर में इतना लुभावना होता है कि इसकी खूबसूरती पर यकीन करने के लिए इसे खुद की आंखों से देखना जरूरी है। दीव अरब सागर का एक छोटा सा द्वीप है और गुजरात के एक छोर पर स्थित है। यहाँ पर तापमान 16 से 23 डिग्री तक रहता है। यहाँ के समुद्र तटों पर बोनफायर इस नज़ारे को देखने वालों को हैरान कर देता है। दीव दिसंबर में भारत के बेहतरीन हनीमून स्थलों में से एक है। दीव अपने खूबसूरत समुद्री बीच, चर्च और प्राकृतिक खूबसूरती के लिए दुनिया भर में लोकप्रिय है। यकीन मानिए, यहाँ बीच पर मस्ती करने का अलग ही मजा है। दीव फोर्ट 3 तरफ से समुद्र और 4थी तरफ से एक छोटी नहर से घिरा है। नहर की तरफ से ही किले का एंट्री गेट भी है। 16वीं सदी में बने इस किले में उस जमाने की तोप और तलवारें आज भी देखी जा सकती है। आसपास की जगहों पर घूमने के लिए यहाँ बोटिंग की सुविधा भी है। दीव में घूमने के लिए बहुत कुछ है। दिसंबर फेस्टा डी दीव एशिया का सबसे लंबा समुद्र तट त्योहार है। नए साल का जश्न मनाने के लिए एक बार दीव जरूर जाना चाहिए।
नवंबर से लेकर दिसंबर के बीच यहाँ पर जाने का सबसे बेस्ट वक्त होता है। क्रिसमस के वक्त यहाँ पर प्रति रात खर्चा 1500 रुपए का आता है। केरल के बारे में क्या कहें, केरल की लोकप्रियता जग जाहिर है। केरल दुनिया की सबसे खूबसूरत जगहों में से एक है और यही कारण है कि इसे गॉड्स ऑन कंट्री कहा जाता है। केरल का कोवलम बीच तैराकी करने वालों के लिए बेहतरीन है। कोवलम से करीब 16 किलोमीटर दूर समुद्र तट सनबाथ और सूर्यास्त देखने के लिए मशहूर है। मालाबार तट के साथ साथ शानदार घाटियां, विशाल घास के मैदानों और रोलिंग पहाड़ी जहां चाय के बागान इस जगह की खूबसूरती को और बढ़ा देते हैं। केरल के लोगों की संस्कृति और इतिहास पर्यटकों को काफी आकर्षित करते हैं। दिसंबर का ठंडा महीना शानदार समुद्र तटों पर घूमने के लिए और अरब सागर के गर्म पानी का अनुभव लेने के लिए अच्छा वक्त है। केरल में घूमने के लिए कुछ स्थान ऐसे हैं जहां जरूर जाना चाहिए, जैसे कोची, कोवलम, कोचिकोट, कुमारकोम, मन्नार, नेल्लिथम्पथी, तिरुवनंतपुरम, त्रिशूर, वर्कला, वायनाड और भी बहुत कुछ। केरल घूमने की योजना बनाने वालों के लिए ये एक बेहतरीन विकल्प है। नवंबर और दिसंबर का महीना यहां घूमने के लिए बेस्ट महीना है और बजट की बात की जाए तो यहां पर 1500 रुपए प्रति रात का बजट आ सकता है।